हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया ना? आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं, पढ़ाया था पार्ट एक क्वेश्चन का, क्वेश्चन कर क्लियर, कुछ और क्वेश्चन करते हैं पार्ट एक क्वेश्चन का, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्राइनोमियल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ ट्राइनोमियल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ ट्राइनोमियल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो रियल जीरो एंड ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो एंड ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो देन द साइन ऑफ ये निकालना, इसका साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। Then the sign of first part C, second A minus B plus C, third A minus 2B plus 4C, fourth 4A minus B plus C, and fifth A squared plus C squared माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी, ये सबका साइन बताना है। पांच क्वेश्चन है, कौन सा पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है, ये बताओ। एक बार ट्राई कीजिए तो हो गया क्या? तो क्या है ट्राइनोमियल? ट्राइनोमियल तो पता है ना, ट्राइनोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म थ्री, बायनोमियल मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म टू, ट्राइनोमियल मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म थ्री। इसका नंबर ऑफ टर्म थ्री कब होगा? तो ट्राइनोमियल मीन्स ये शो कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी नॉट इक्वल टू जीरो, कोई भी कोएफिशिएंट जीरो नहीं है। अगर एक भी कॉएफिशिएंट जीरो होगा नंबर ऑफ टर्म क्या जाएगा? थ्री से लेस हो जाएगा, क्लियर ना? तो क्या है ट्राइनोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म थ्री, नंबर ऑफ टर्म थ्री कब होगा? जब कॉएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, कॉएफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड कॉन्स्टेंट टर्म नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर? चलिए एक फर्स्ट कंडीशन समझ गए फर्स्ट लाइन का कि ये ट्राइनोमियल, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है a प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो, एंड और क्या है ट्राइनोमियल हैज नो रियल जीरो। सेकेंड लाइन से देखो क्या क्या इंटरप्रेट करें, ट्राइनोमियल हैज नो रियल जीरो, ट्राइनोमियल आएगा ये होगा और ये होगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और बोल रहा है हैज नो रियल जीरो। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का सिक्स ग्राफ बनाए थे, ए पॉजिटिव के लिए तीन ग्राफ, ए नेगेटिव के लिए तीन ग्राफ, एक में एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा था, एक में एक्सिस को टच कर रहा था और एक में न कट कर रहा है न टच कर रहा है। सेम थिंग ए ग्रेटर देन जीरो के लिए और सेम ए लेस देन जीरो के लिए, तो सिक्स ग्राफ था। हैज नो रियल जीरो किसमें है? मीन्स न टच कर रहा है न कट कर रहा है, आइदर ये ग्राफ और ये ग्राफ, बोलो ये क्लियर कि नहीं? पक्का ना? चलिए फिर एक क्या दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो, ये ए प्लस बी प्लस सी कब आएगा? इसमें एक्स का लोग क्या पुट कर रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी आ जाए, तो वाई लिखो या एफ एक्स लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा हुआ है एफ वन, एफ वन क्या जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, हम लिख देते हैं एफ ऑफ वन ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो ना। अब इस ग्राफ में बताओ एक्स को लोग कुछ भी रखेंगे माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा ना। ये क्या है सारे एक्स के ऑलवेज पॉइंट, लेकिन एक कंडीशन हम लोग के पास क्या मिल गया
कि x इक्वल टू 1 पे ये ट्रायनोमियल नेगेटिव है, ये कभी होगा क्या? नहीं ना, इसमें f को से पुट करेंगे ऑलवेज पॉइंट नेगेटिव का होगा, ये ग्राफ हो सकता है, इसमें क्या है हमेशा नेगेटिव है, f1 भी नेगेटिव होगा, तीनों लाइन को अगर कंबाइन करेंगे क्या जाएगा, ये पॉलीनोमियल गिवन है। बोलो यहां तक का डाउट पक्का ना? फर्स्ट कंडीशन है नो रियल जीरो, में दो कंडीशन बचा या तो ये या ये, और सेकंड क्या दिया हुआ है इसमें क्या है, सारे x के लिए ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें फॉर ऑल x ऑलवेज नेगेटिव, और कंडीशन क्या दिया हुआ है a + b + c मींस f of 1 और p of 1, p of 1 क्या है नेगेटिव, मींस कौन सा ग्राफ रहेगा ये। बोलो क्लियर ना? तो मींस ये ग्राफ है। चलिए फर्स्ट क्या है c, बोलिए y एक्सिस कहीं पर सकता है ना, c क्या होगा, c 0 तब होता है जब ये से टच करता, पता है तो नो रियल जीरो हो जाए मतलब टच तो करेगा नहीं, तो नीचे ही कहीं कट करेगा ना, c क्या हो जाएगा c लेस देन 0। बोलो पढ़ाओ नहीं ना, तो फर्स्ट का आंसर लेस देन 0। चलिए सेकंड a माइनस b प्लस c, ये कब आएगा जब x इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे, बोलिए है कि नहीं, माइनस वन पर लो क्या है नेगेटिव ही ना, अगर एक्स माइनस वन पर करें क्या जाएगा ए माइनस बी प्लस सी मतलब एफ माइनस वन, एफ माइनस वन भी क्या है नेगेटिव है, कुछ ही पुट करेंगे और वही नेगेटिव, सेकंड क्या है नेगेटिव। क्लियर? अब वैसे इसमें सोचो सी में ए माइनस टू बी प्लस फोर सी कैसे आएगा, ए माइनस टू बी प्लस फोर सी, तो समझ में आ रहा है क्या, इसमें क्या करते हैं इसको देखने के लिए क्या लिखा हुआ है, पहले सी का ऑप्शन वन करके देखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन बार सॉरी फोर कॉमन क्या हो जाएगा ए बाय फोर माइनस बी बाय टू प्लस सी, बोलिए है कि नहीं है, एक्स ऑफ का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा क्या, यस अगर एक्स का वैल्यू क्या पुट करते हैं वन माइनस वन बाय टू, देखो आ रहा है क्या माइनस वन बाय टू मतलब ए बाई फोर माइनस बी बाई टू प्लस सी, क्या लिखा हुआ है फोर इंटू एफ माइनस हाफ, फिर से एफ माइनस हाफ क्या है नेगेटिव है ना, उसको फोर से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा नेगेटिव, बोलो ये भी नेगेटिव है कि नहीं है, मैं सी नेगेटिव ए माइनस बी प्लस सी नेगेटिव एंड ए माइनस टू ए प्लस फोर सी नेगेटिव, बोलो यहाँ तक पढ़ाओ नहीं ना। चलिए अब थोड़ा सा सोचना है डी को कैसे रेंज करें, जब नहीं कैसे और भी कोई मेथड से कर सकते हैं, वर्सेस क्या करना है साइन चेक करना है, तो यहाँ से बोल सकते हैं पॉजिटिव के लिए, अब देखो इसमें क्या है फोर ए माइनस बी प्लस सी, तो समझ में आ रहा है फोर ए माइनस बी प्लस सी, तो इसको देखो ऐसे कर सकते हैं थ्री ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी, बोलो कर सकते हैं कि नहीं, अब इसका ए क्या है ए नेगेटिव ना, अगर इससे साइन नहीं निकाल पाते मान लो एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव है, बोलते हैं इस मतलब से नहीं होगा, फिर कुछ और सोचते हैं, फिर इसको कुछ अरेंज करते देखते हैं और क्या हो सकता है, लेकिन इससे देखो डायरेक्ट साइन आ रहा है ए क्या है ग्राफ से देख रहे हैं कि ए नेगेटिव है, क्लियर ना, और ए माइनस बी प्लस सी a माइनस बी प्लस सी क्या है ये तो f ऑफ माइनस वन है, ये भी क्या है नेगेटिव है ना, दो नेगेटिव का सम क्या जाएगा नेगेटिव, फोर्थ भी क्या हो गया लेस देन जीरो, बोलो डाउट नहीं ना। चलो अब देखते हैं लॉग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2 से वन ट्राई करो, तो बोलो इसमें क्या करना पड़ेगा, अब उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ होगा, ये टर्म पता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये और सीधा नेगेटिव है पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, लेकिन बी का साइन बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो कितना सब्ट्रैक्ट होगा वो पता नहीं है, इंडिविजुअली निकाल नहीं सकते, फिर इसमें क्या करना पड़ेगा कोई कॉम्बिनेशन बना सकते, देखो कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, तो दिख रहा है बोलो तो समझ में आ रहा है क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं देखो ऐसे लिखते हैं
इसको a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 2a स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ये क्या बन गया a प्लस c होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, बोलो बोल सकते हैं ना, इसको क्या लिखेंगे a माइनस b प्लस c, जब लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर a माइनस b a माइनस b प्लस c इनटू a प्लस b प्लस c, बोलो बराबर, ये क्या है एक f माइनस 1 है एक f 1 है, ये क्या है नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव में नेगेटिव क्या जाएगा कोई लास्ट का रहेगा ग्रेटर देन 0, ये क्या था दो f का प्रोडक्ट है f 1 इनटू f माइनस 1 लिखा हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव, बोलो क्लियर ना पक्का, चलो तो आगे बढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आप लोग कर चुके हो, सब लोग पता है, चलिए लिखने लीजिए, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, जस्ट सिंपल है y equal to find minimum value of y equal to log x cube minus 4x square log x cube minus 4x square plus x plus 26 कुछ नहीं दिया मतलब क्या है बेस्ट है log x cube minus 4x square plus x plus 26 माइनस लॉग एक्स प्लस टू बेस टेन, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 26 बेस टेन माइनस लॉग एक्स प्लस टू बेस टेन, ये तो बार हो गया, जब रिजल्ट पर लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना, पहले सिंपलीफाई कर लो क्या बन जाएगा लॉग बेस 10 लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है तो m बाय x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 26 डिवाइड बाय x प्लस 2, बोलो बढ़ाओ नहीं ना, एक बार क्या करते हैं इसको फैक्टराइज करने के, इसको फैक्टराइज करने का ट्राई करते हैं, फैक्टराइज करने के लिए बताए हुए हैं अगर इसका डेसिमल फैक्टर है तो क्या होगा किसका फैक्टर होगा कांस्टेंट का बाय हायर डिग्री टर्म का 26 बाय 1 का फैक्टर क्या है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, अगर नीचे x प्लस 2 की होते एक बार x इक्वल टू माइनस 2 पुट करके देख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 2 पुट के माइनस 8 प्लस 16 माइनस 2 प्लस 26 एक बार देखते हैं x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 8 माइनस 16 माइनस 2 प्लस 26 ये होगा ना, ये कितना जाएगा माइनस 26 प्लस 26 जीरो आ गया, मींस क्या हो गया कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, क्लियर ना, क्या फैक्टराइज कर लेते हैं उसको क्या लिखेंगे x प्लस 2 इनटू x स्क्वायर x प्लस 2 x प्लस 2 नेगेटिव डिवाइड कर दो क्या हो गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर ये हुआ ना, ऐसे मेथड है सॉल्व करने का कि x प्लस 2 फैक्टर हुआ तीन टर्म आएगा तीन टर्म लिखते फिर x क्यूब कैसे आएगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया क्या बना x क्यूब देखो फिर क्या प्लस 2x स्क्वायर लाना क्या है माइनस 4x स्क्वायर कितना करना पड़ेगा माइनस 6 माइनस 6x तब होगा ना माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर बैलेंस हो गया, देखो x का टर्म कितना आया माइनस 12 राइट ना, आ गया ये माइनस 12 लाना क्या है प्लस x क्या करना पड़ेगा प्लस 13 क्लियर, जब अपने आप बैलेंस हो जाएगा प्लस 26 ये लिखा हुआ है ना इसका फैक्टर क्या हो गया ये लिखेंगे इसको लॉग बेस 10 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इनटू x प्लस 2 डिवाइड बाय
बोलो क्लियर ना, राइट। अब देखो लॉग में आया x प्लस तो कभी जीरो होगा क्या, आर्गुमेंट क्या होता है ग्रेटर देन जीरो ना, वो जब सॉल्यूशन आएगा बाद में चेक कर लेंगे, x प्लस तो कभी जीरो नहीं होगा, इसको कैंसिल और सिंपली कर सकते हैं क्योंकि आर्गुमेंट डिफाइन होना चाहिए। क्या बन गया ये log of x square minus 6x plus 13 base 10, clear। अब इसका एक ग्राफ बताए थे ना कि अगर बेस 1 से ग्रेटर है log का ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग, क्लियर ना। अगर बेस 1 से लेस है log का ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग, क्लियर। मिनिमम वैल्यू निकालना और बेस क्या है, ग्रेटर देन 1, मिनिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू मिनिमम होगा, क्योंकि अगर बेस ग्रेटर देन 1 है जैसे सेल्स का वैल्यू बढ़ाएंगे log का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो मिनिमम कब होगा ये, जब ये टर्म मिनिमम होगा, होगा कि नहीं, तो मींस अल्टीमेटली निकालना क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू निकाल कर पुट कर दोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, क्लियर। अब निकालना क्या है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 का मिनिमम वैल्यू, आपको पता है मिनिमम कौन निकालता है, वर्टेक्स पे देखेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 इज मिनिमम एट x is equal to vertex minus 3 by 2 is cancelled 6 by 2 is equal to 3 now x is equal to 3 पे ये minimum होगा, minimum value क्या होगा, minimum value जाएगा 3 square minus 6 into 3 plus 14, बोलो cut out क्या जाएगा 9 plus 14, 9 plus 14 22, 22 minus 18 6 ना, check करो 9 plus 13 22, 22 minus 18 6, मिनिमम वैल्यू का क्या हो गया 6, और क्या x equal to 3 पे, जस्ट चेक कर लेते हैं x equal to 3 डोमेन में है कि नहीं है, देखो इसमें 3 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, इसके लिए 3 plus 2 5 और ये 9 plus 13 minus 18 6, तो डिफाइंड ही है, और 3 plus 2 5 ये भी डिफाइंड है, मतलब log 3 पे डिफाइंड है, तो क्या जाएगा मिनिमम वैल्यू log 6 बेस 10, y मिनिमम कितना हो गया log 6 बेस 10, बोलो क्लियर। तो सिंपली क्वालिटी का क्वेश्चन था, क्वालिटी को मिनिमम निकालेंगे, अगर log का बेस क्या रहता लेस देन 1, मिनिमम कब होगा जब x का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, मतलब क्वालिटी का मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं, क्लियर। जस्ट ये ध्यान रखना है और क्वालिटी का रेंज निकालना, बोलो पढ़ाओ जल्दी बोलो। अच्छा 6 आ रहा है तो 4 आ रहा है, चेक करो कितना पुट करना है, x इक्वल टू 2 3 ना 9 माइनस 18 तो माइनस 9 माइनस 9 प्लस 4 4 हो जाएगा ना, इसमें कैसे कर दिया जाए, अच्छा 22 माइनस 18 क्या होता है 4 होता है, आंसर क्या जाएगा log 4 बेस 10, मिनिमम वैल्यू क्या हो गया log 4 बेस 10, क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो लेट fx इज इक्वल टू, लेट fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेट fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेट fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and a square plus b square plus c square minus 2a plus 4b minus 2c plus 6 is equal to 0, a square plus b square plus c square minus 2a plus 4b minus 2c plus 6 is equal to 0, abc belong to real number, abc belong to real number, then find the value of, then find the value of f1, find the value of f1,
फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 लिख दिया, तो हो गया। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। कैसे लिखा हुआ है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c। एक तो सोच सकते हैं कि a प्लस b प्लस c या a माइनस c का होल स्क्वायर बन जाए, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। 2ab 2bc क्या है, ऑप्शन अलग अलग है, अलग अलग प्रकार का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर और a को एक साथ, a स्क्वायर माइनस 2a। बोलो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए कितना टर्म चाहिए, क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस बनना, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, b स्क्वायर क्या होगा 1। इसको अलग करके देखते हैं, जो ये नया किस फॉर्मेट पे बैठ ही जाए, करने बैठेगा इस पे अलग प्रोसेस यूज करेंगे, एक बार ट्राई करते हैं। क्लियर, प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ए, बोलो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर प्लस 2 इनटू 2 इनटू बी प्लस 2 का स्क्वायर ना, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2सी प्लस 1। देखो कांस्टेंट हम क्या कर लेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 1 6 प्लस 6 ही गिवन था, मतलब अभी हम क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया। बोलो क्लियर, सिर्फ 6 को क्या लिखे हैं, 1 प्लस 4 प्लस 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। क्लियर ना, तो देखो अब क्या बन गया, ये हो गया a माइनस 1 होल स्क्वायर b प्लस 2 होल स्क्वायर c माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो क्लियर, अब फिर से वही चीज जो बहुत बार यूज कर चुके हैं, तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, ये बोलो कब पॉसिबल है, तीन नंबर का स्क्वायर का सम 0, तीनों क्या है रियल नंबर है, ये कब पॉसिबल है, जब तीनों टर्म एक साथ 0, मैं सी ए टर्म 0 एंड ए टर्म 0 एंड ए टर्म 0, ये होगा ना। देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा a इक्वल टू 1, यहाँ से क्या आएगा b इक्वल टू माइनस 2 एंड c इक्वल टू 1। बोलो होगा कि नहीं, पक्का ना, मतलब एफ एक्स निकलेगा, आप जो मैंने निकाल सकते हैं, तो एफ एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, निकालना क्या था f1, 1 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, f1 क्या आ जाएगा, f1 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर, पक्का ना, चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ, इसे बताया हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ वाई इक्वल टू, फाइंड द रेंज ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, फाइंड द रेंज ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइड बाय x into x plus 3, find the range of y equal to x plus 1 into x minus 2 divided by x into x plus 2, ये ट्राई करो तो हो गया। देखो इस टाइप में क्या करते हैं, ये कौन सा फॉर्म है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्लियर ना, कैसे रेंज निकालते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक बनता है x में, फिर करते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये करते हैं ना, जस्ट वही करना है। क्या लिखा हुआ, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बन गया ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस है माइनस है माइनस 2, क्लियर, डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3x, ये लिखा हुआ है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बना y x स्क्वायर प्लस 3y x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, बोलो क्लियर ना। फिर क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इन x, ऑप्शन क्या रहेगा, x स्क्वायर का y माइनस 1 प्लस 3y प्लस 1 इनटू x प्लस 2 इक्वल टू 0, बोलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। दो केस रहते हैं, फर्स्ट केस
absent of x square not equal to 0 means y not equal to 1. Clear? अब कंडीशन क्या लगाते हैं, इस क्वांटिटी का वैल्यू x के रियल नंबर के लिए सॉल्वेबल है, ये क्वांटिटी मतलब d greater than equal to 0. बोलो क्लियर ना, d greater than equal to 0 मतलब क्या जाएगा, 3y plus 1 whole square minus 4 into y minus 1 into 2 greater than equal to 0. बोलो यहां तक पढ़ा और नहीं ना, इसको एक्सपेंड किए क्या बन गया है, ये उसको मन तो है नहीं, 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 माइनस 8y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बोलो कट आउट, ये क्या बन गया, 9y स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 9 क्लियर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बोलो कट आउट है यहां तक नहीं ना, अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, इसका डी चेक करो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, लेस देन 0 ना. अब ये y में क्वाड्रेटिक है और इसका डी नेगेटिव है, मींस क्या हुआ, अगर ऐसा लिखा रहता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 और इसका d नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा ही होता है ना, तो क्या लिखेंगे यहां से, x ब्लॉक को कॉल कर लिखेंगे कि नहीं, कि ये पॉइंट किसके लिए है, x के सारे वैल्यू के लिए है. बोलो लिखते हैं कि नहीं, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और इसका d नेगेटिव है और a ग्रेटर देन 0 है, d नेगेटिव एंड a ग्रेटर देन 0, तो बोलो क्या होता है, सारे x के लिए हमेशा पॉजिटिव, क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ब्लॉक टू रियल नंबर होगा कि नहीं. सेम चीज में देखो, क्वाड्रेटिक इन y है, इसका a क्या है, 9 ग्रेटर देन 0, d क्या है, नेगेटिव, a पॉजिटिव d नेगेटिव, मतलब क्या जाएगा, ये सारे y के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नहीं, होगा ना, जिसमें क्वाड्रेटिक होता है उसके सारे वैल्यू के लिए क्या होता है, f ऑफ द x होता है. जैसे अगर x में क्वाड्रेटिक है, a पॉजिटिव b नेगेटिव, मतलब f कुछ ही पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. सेम थिंग इसमें होगा कि नहीं, कि y कुछ ही पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. तो हम क्या लिखेंगे, d नेगेटिव y बिलोंग टू ऑल. बोलो क्लियर, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, क्या लगा मतलब कॉमन ना, 1 इंटरसेक्शन 2 क्या आ गया, y बिलोंग टू ऑल रियल सब टू. बोलो पढ़ाओ नहीं ना, चलो अब केस 2 चेक करो. केस 2, केस 2 क्या है, y इक्वल टू 1 पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई डाइस रहते हैं, चल जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस 2 ना प्लस माइनस 2. बोलो x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x इक्वल टू माइनस 2 x इक्वल टू माइनस 2, ये y का मतलब 1 भी हो रहा है, कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू माइनस 2. बोलो क्लियर है क्या, मीन्स क्या हो गया, y इक्वल टू 1 भी हो गया, इसका रेंज क्या हो गया, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, y बिलोंग टू ऑल रियल, मींस इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या है, ऑल रियल. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, इसे देखने से क्या लग रहा है कि x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 0 नहीं पुट कर पा रहे हैं, मतलब उस वाले को जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, आप लोग को प्रूव करके दिखा दिए. आगे जब ग्राफ सिखाएंगे तो ग्राफ से दिखाएंगे कि सारे जगह ग्राफ बना हुआ, ठीक है, डिफाइन कहाँ कहाँ नहीं है, 0 पे और माइनस 3 पे ऐसा रहेगा, 0 पे डिस्कंटिन्यूअस रहेगा, माइनस 3 पे रहेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा. अभी नहीं बना रहे ग्राफ, ग्राफ जब सिखाएंगे तो. अभी क्या निकला, वाई बिलोंग टू ऑल लिव. बोलो यहाँ तक क्लियर ना, चलो अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सेंडर का बताए भी थे ये चीज, देखो न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर कहाँ पर जीरो हो रहा है, न्यूमरेटर जीरो हो रहा है माइनस वन एंड टू पे,
पावर डिनोमिनेटर कौन जीरो हो रहा है, तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, जीरो एंड माइनस थ्री बोलो हो रहा है कि नहीं, तो ये जीरो कम हो रहा है x इक्वल टू माइनस वन पे, x इक्वल टू पे ये जीरो कम हो रहा है, जीरो एंड माइनस थ्री बोलो माइनस वन एंड टू के बीच कौन लाइ कर रहा है, जीरो लाइ कर रहा है ना, तो जीरो लाइ बिटवीन माइनस वन एंड टू, तो बोले थे अगर एग्जैक्टली वन रूट ऑफ डिनोमिनेटर इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म एग्जैक्टली वन रूट ऑफ डिनोमिनेटर लाइज बिटवीन न्यूमरेटर देन रेंज ऑफ गिवन एक्सप्रेशन विल बी ऑल रियल वैल्यू। अगर ये पता है तो बिना कुछ सॉल्व किए हुए डायरेक्ट क्या बोलेंगे, इसका वाई बिलोंग टू ऑल रियल वैल्यू, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऑब्जेक्टिव है तो। ध्यान क्या रखना है, अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म है और एग्जैक्टली वन रूट डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर के बीच में लाइज कर रहा है, उसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल। नोट करके लिख लीजिए इस पॉइंट को, लिखिए exactly one root of denominator is in between two roots of ये कर लो, एक और निकाल के देख लेना, इसमें ये होता है कि डिनोमिनेटर के बीच को एक न्यूमरेटर का एडिटर रूट लाइक करना चाहिए। मैं सेस करो क्या है, जीरो एंड माइनस थ्री, जीरो एंड माइनस थ्री के बीच में कोई लाइक कर रहा है, तो जीरो एंड माइनस थ्री के बीच में क्या लाइक कर रहा है, माइनस वन, ठीक है ना, तो क्या है माइनस वन लाइन बिटवीन जीरो एंड माइनस थ्री। उल्टा बोल दिए कहना चाहिए अगर डिनोमिनेटर के दो रूट के बीच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ न्यूमरेटर लाइक कर रहा है तो बोले कि इसका रेंज क्या होगा, ओवन रियल वैल्यू, ठीक है। अगले को क्या है, इसका होता है जीरो एंड माइनस थ्री, इसका होता है माइनस वन एंड टू, जीरो और माइनस थ्री के बीच क्या है, माइनस वन है, जीरो यहाँ है माइनस थ्री यहाँ है, बीच में क्या लाइक कर रहा है, माइनस वन। एग्जैक्टली वन रूट ऑफ न्यूमरेटर लाइक बिटवीन टू रूट ऑफ डिनोमिनेटर देन रेंज ऑफ वाई मस्ट बी ऑल रियल, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल करके देख लेना अपने मन से, मान लेना जैसे मान लेते हैं कि क्या है, कुछ भी ले सकते हो, देखिए मान लेते हैं एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, ऊपर ले लिए एक्स माइनस टू और इधर क्या चलते हैं एक्स माइनस फोर, या अगर वन थ्री के बीच एक ही होना चाहिए तो वन से छोटा ले लो या तीन से बड़ा ले लो, तो सर दोनों चीज आ जा रहा है, इसे मान लो इसमें क्या लिए, एक लिए एक्स माइनस टू, अब इसके एग्जैक्टली रूट के बीच लाइक करवाने के लिए दूसरा रूट से क्या लेना पड़ेगा, या तो वन से लेस और थ्री से ग्रेटर, अगर थ्री से ग्रेटर लेंगे तो एग्जैक्टली क्या लाइक करेगा, तो दोनों चीज हो सकता है, सोच के देखना कि दोनों चीज बोल सकते हैं, न्यूमरेटर के बीच एग्जैक्टली डिनोमिनेटर का या डिनोमिनेटर के दो रूट के बीच न्यूमरेटर का, यहाँ तो ये दिख रहा है, ठीक है, या फिर जब ग्राफ बनाएंगे तो उस क्लियर हो जाएगा। अभी लिख लो नोट में, उसको स्टिक कर लो, लिखो इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ न्यूमरेटर इज इन बिटवीन टू रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, If exactly one root of numerator is between two roots of denominator,
exactly one root of numerator is between two roots of denominator, then range of expression will be all real value. If exactly one root of numerator is in between two roots of denominator, then range must be all real. Graph banayenge to banega vertical asymptote. Clear? Chalo, bas ye dhyan rakhna. Next likho, if alpha comma beta comma gamma, if alpha comma beta comma gamma are different, 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 and a alpha squared plus b alpha plus c equal to sine theta into alpha squared plus cos theta into alpha. A beta squared plus b beta plus c equal to sin theta into beta squared plus cos theta into beta, and a gamma squared plus b gamma plus c equal to sin theta into gamma squared plus cos theta into gamma. Clear? First question, find maximum value of a squared plus b squared whole divided by a squared plus 3ab plus 5b squared. Find maximum value of a squared plus b squared whole divided by a squared plus 3ab plus 5b squared. Clear? चलो एक ही क्वेश्चन करो, एक लेफ्ट का पता चलो कितने वर्क सीखो. चलो मेन क्या हुआ सीखो, बच्चे बोला मन ही जाएगा अगर पता होगा. देखो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5b स्क्वायर. तक का बना होगा रखकर लाइव क्लास में करवा देंगे. ठीक है, देवान जो बता रहे हैं संतोष बोला देखेंगे, नहीं होगा तो ग्राफिक लाइव पास में बता देंगे कैसे ग्राफ आता है, फिर ओपन क्यों लिख रहा है. ठीक, एग्जाम्पल भी दे देंगे बीच में कौन सा किसके लिए अप्लाई करना चाहिए. ठीक है, चलो इसको ट्राई करो. हो गया, देखो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू साइन टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस टाइम अल्फा. अगर सबको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आते हैं, तीनों इक्वेशन फिर से नहीं लिखते हैं. देखो ऐसा बनेगा क्या, ए माइनस साइन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. इसका रूट है अल्फा बीटा गामा. देखो है कि नहीं, पहले अल्फा पुट किए, क्या बना ए माइनस साइन थीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी माइनस कॉस थीटा इंटू अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो. जब बीटा पुट करेंगे क्या आएगा, ए माइनस साइन थीटा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बी माइनस कॉस थीटा इंटू बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो. गामा पुट करेंगे तो ए माइनस साइन थीटा इंटू गामा स्क्वायर प्लस बी माइनस कॉस थीटा इंटू गामा प्लस सी इक्वल टू जीरो. बोलो ये बोल सकते हैं कि नहीं? तो क्या है, एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
a minus sin theta into x square plus b minus cos theta into x plus c equal to 0. इसका रूट क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा। यहां सब लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक का तीन रूट है, ये कब पॉसिबल है बता चुके हैं ना, व्हिच इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट बिकम्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का कंडीशन क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है कि नहीं है, पक्का ना। क्या क्या है, a इक्वल टू sin थीटा एंड b इक्वल टू cos थीटा। बोलो क्लियर, पक्का। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये हो गया sin थीटा, b हो गया cos थीटा, निकालना क्या है, मैं करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस c प्लस b स्क्वायर, पुट कर दो। ऊपर क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा, यही है ना, और प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। आई थिंक अब आप लोग कर लोगे, sin स्क्वायर प्लस थीटा प्लस cos थीटा वन होता है ना, क्या कि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको तो वन लिख दिए, प्लस 3 बाय 2 इनटू 2 sin थीटा cos थीटा। बोलो बराबर है नहीं ना, इससे वन का लेके वन बनाया ना, 5 को क्या लिखे, cos स्क्वायर थीटा प्लus 4 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वन बन गया। अब 4 cos स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, 2 into 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 plus 4 2 थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं, अरे पक्का ना। चलिए अब बता सकते हैं क्या होता है, क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे मिनिमम हो। चलिए बोलिए क्या होगा, थोड़ा सा और एनर्जी दीजिए, क्या बना, 1 plus 2, 3 हो गया ना, 3 plus 3 by 2 sin 2 theta plus 2 cos 2 theta। बोलो क्लियर है कि नहीं है, अरे पक्का ना। ये मैक्सिमम कब होगा, जब क्या हो जाए, डिनोमिनेटर मिनिमम। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब ये क्या हो जाए, मिनिमम, जब इसमें ऐड करें, जितना मिनिमम वैल्यू इसमें ऐड करेंगे उतना मिनिमम आएगा ना, तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 1/3 ऐड कर रहे हैं, क्लियर ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसका मिनिमम वैल्यू ऐड करेंगे तब मिनिमम होगा डिनोमिनेटर। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या जाएगा, 9/4 + 4। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्या आ गया, 1/3 माइनस 9 + 16 5/2। बोलो बड़ा, और 3 माइनस 5 बाय 2 1 बाय 2 1 डिवाइड बाय 1 बाय 2 इक्वल टू 2। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5b स्क्वायर इज 2। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 2। बोलो यहां तक बड़ा, और नहीं ना, पक्का। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।